बहुत ही स्पेशल डिश लाई हूँ, पेशावरी मटन चर्सी कढ़ाई। पेशावरी मटन चर्सी कढ़ाई की रेसिपी सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पाएंगे। अब चलते हैं मेरी मामा के किचन में और देखिए कैसे ये मजेदार डिश बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहीन विद YouTube चैनल रुक्सीस कुजीन। रुक्सीस कुजीन में आज के मेन्यू में बहुत ही फेमस डिश पेशावरी मटन चर्सी कढ़ाई लेकर आए हैं। मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल ही रवायती अंदाज में तैयार कर रही हूँ। आप इसको घर में जरूर ट्राई करें और हमें फीडबैक भी जरूर दें। मटन चर्सी कढ़ाई को तुम्बे के मीट में तैयार किया जाता है और इसमें अमूमन तुम्बे की चर्बी को यूज किया जाता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में टमाटर 5 अदद लेकर दरमियान से 2 टुकड़े कर लें। मटन 1 केजी ले लें, इसकी बोटी का साइज बिल्कुल बराबर हो। मैंने यहाँ बोनलेस अंडर कट मीट लिया है। देसी घी 1/2 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया हस्बी जरूरत, हरी मिर्च 3 अदद बड़े साइज की लेकर चुलिन स्टाइल में कटिंग कर लें। अदरक 1/2 इंच का टुकड़ा लेकर इसको भी बारीक चुलिन स्टाइल में कट कर लें। अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत रोस्टेड जीरा 1 चाय का चम्मच, मक्खन 3 खाने के बड़े चम्मच भर के ले लें। मैं यहाँ पर लैम फैट को यूज नहीं कर रही हूँ बल्कि उसकी जगह देसी घी और मक्खन ले रही हूँ, लेकिन इसमें आप लैम फैट को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि तुम्बे की चर्बी को, जिसका जायका बहुत ही तेज होता है और मटन चर्सी कढ़ाई में इसको यूज किया जाता है। मेरे बच्चे नहीं खाते, सो मैं यहाँ पर लैम्प फैट की जगह देसी घी और मक्खन ले रही हूँ। अब एक सॉस पैन ले लें, इसमें देसी घी डालें और फिर मक्खन ऐड कर लें। इन दोनों को आपस में मिक्स कर लें, फिर इसमें अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट शामिल कर लें और भून लें। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें मटन बोनलेस शामिल कर लें और फ्राई कर लें। जब मटन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें टमाटर ऐड करें, साथ ही थोड़ा सा सब्ज धनिया शामिल करें और तमाम स्पाइसेस जिसमें नमक, रोस्टेड जीरा और काली मिर्च, इनको इसमें शामिल करके मिक्स कर लें। कुछ देर और भून लें। मैं यहाँ पर अंडरकट मीट यूज कर रही हूँ, ये जल्दी गल जाता है। पेशावरी कढ़ाई को अमूमन हड्डी के साथ ही तैयार किया जाता है और ओपन कढ़ाई में पकाया जाता है, इसलिए वो काफी हद तक हार्ड रह जाता है। मैं यहाँ पर एक बड़ा सॉस पैन यूज कर रही हूँ ताकि मेरा मटन बिल्कुल गल जाए। मटन फ्राई हो चुका है, अब इसमें 2 बड़े कप पानी ऐड कर लें और ढक्कन देकर दम दे दें। 15 से 20 मिनट के बाद आप ढक्कन उतार कर देखें, पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका होगा। यहाँ पर आपने टमाटरों के ऊपर का छिलका उतार लेना है जो कि बहुत इजीली उतर जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने तमाम टमाटरों का छिलका उतार दिया है। अब एक बार मटन को चेक करें, अगर वो गलने के करीब है तो उसे ड्राई कर लें, वरना 1 कप और पानी का ऐड कर लें। यहाँ पर मटन को गलने में कम वक्त लगेगा, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही। यहाँ पर मैं एक बार और कोट करूँगी। इस कढ़ाई में रेड कलर टमाटरों की वजह से होता है। मैंने देखा है अमूमन लोग पेशावरी चर्सी कढ़ाई और पेशावरी नमकीन कढ़ाई को मिक्स कर देते हैं,
मटन चर्सी कढ़ाई में टमाटर का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होता है। अच्छा, अब यहाँ पर टमाटरों को मिक्स करके दोबारा ढक्कन लगा दें। 15 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे। वाह, जबरदस्त, मटन कढ़ाई इस शक्ल में आ चुकी है। अब यहाँ हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक की काशे डालकर मटन की बोटी को चेक करें, ये बिल्कुल ही गल चुका है। अब ढक्कन देकर 1 मिनट के लिए और दम दे दें। ढक्कन उतारें और इसको डिश आउट करें। बहुत ही मज़ेदार मटन चर्सी कढ़ाई रेडी है। आप इसे बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से बनाएं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका मीट बिल्कुल गला हुआ हो तो टेस्ट दुबाला हो जाता है। इंशाल्लाह आपके लिए और भी डिशेस लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, फिर मिलेंगे। खुश रहें और ईद की ढेर सारी खुशियों को एंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखें। आप अपने ईद को एंजॉय करिएगा और इस डिश को बनाना मत भूलिएगा। एक बार आपको फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।